Good morning. Today we are going to learn chapter number 5, Siku. We already finished chapter number 1, 2, 3, 4. Do you have any doubts from the previous chapters? If you have any doubts, we can discuss it in the Google Meet. Again, today we are going chapter number 5, Siku. What is the meaning of Siku? Siku means learn. कवि श्रीधर पाठक हमें कहते हैं, क्या कहते हैं, हम सीखो, हम दूसरों से कुछ सीखना चाहिए. क्या क्या सीखना चाहिए? दूसरों की फलाई को देखकर उसे हमारे जीवन में अपनाने के लिए कवि कहते हैं. कवि कहते हैं, दूसरों को अच्छाई को देखो, देखकर वह हम अपने जीवन में अपनाता है. कवि कहते हैं, एक फूल को देखो, फूल निध क्या करते हैं, फूल निध हंसता है. पृथ्वी को देखो, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी दूसरों के लिए वर्षा धूल सबको सहन करती है. पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, हमारे लिए सब सहन करती है. एक नदी को देखो, नदी क्या करती है, कवि नदी आंखें बगती है, नदी पीछे नहीं बगती है. इसलिए कवि कहते हैं, कवि श्रीधर पाठक कहते हैं, हम दूसरों को अच्छाइयों को हमारे जीवन में अपनाने चाहिए. लुक एट द पोएम. फूलों से निध हंसना सीखो, फवरों से निध गाना, तरु की चुकी टालियों से निध सीखो शीश झुकाना. कवि श्रीधर पाठक कहते हैं, फूलों से निध हंसना सीखो. सदा हंसना एक अच्छा गुण है. हम एक गुण किससे सीखता है? फूलों से हंसना सीखता है. फूल सदा हंसता है. फूल हमें देखकर सदा हंसता है. हम एक फूल के देखो, देखकर उसके अच्छे गुणों को अपनाता है. फूलों से निध हंसना सीखो, फवरों से गाना सीखो. एक फवर सदा गाता है. हम उसे देखो, उससे देखकर हम गाना सीखता है. तरु की चुकी डालियों से हम नीत अपना शीश झुकाना सीखो. हमारा शीश दूसरे लोगों के लिए सामने झुकता है. हम एक तरु की डाली को देखो. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. लेथा और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. कवि कहते हैं, सूरज की किरणों से सीखो. क्या सीखो? सूरज की किरणों को देखो, देखकर उससे एक पाठ पढ़ता है. क्या पाठ? क्या सीखता है? जगना और जगाना. लेथा और पेड़ से सीखो. एक पेड़ को देखो, एक लता को देखो, उसे देखकर हम उससे क्या सीखता है? सबको गले लगाना सीखता है. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना. दीपक से देखो, दीपक सब अंधेरा दूर करता है. एक दीपक को जलाने समय दीपक सब अंधेरा को दूर करता है. यह क्या? प्रकाश फैलता है. पृथ्वी से सीखो, पृथ्वी सब जीवों की सच्ची सेवा करता है. हमारे पृथ्वी सब सहन करती है. वर्षा सहन करती है, सूखा सहन करती है, बाढ़ सहन करती है, धूल सहन करती है, धूप सहन करती है,
इस पृथ्वी को देखकर उसको एक पृथ्वी को एक अच्छा गुण है, सब सहन करती है। पृथ्वी एक सब किसके लिए सहन करती है? हमारे लिए सहन करती है। हम उस पृथ्वी को देखकर उससे एक सीखो अच्छी सेवा करना, दूसरों के भलाई के लिए सेवा करना, यह पृथ्वी को देखकर सीखो। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बैठना, और द्वेम से सीखो हरदम ऊंचाई पर हटना। कवि कहते हैं, एक जलधारा को देखो, एक नदी को देखो, उससे सीखो। क्या सीखो? आगे जीवन पथ पर बैठना। हम हमारे जीवन पद पर आगे बैठना, न पीछे बैठना। नदी सदा आगे बैठता है, उसे देखकर हम हमारे जीवन में आगे बढ़ता है। और दुयेम से सीखो हरदम, दुओं से हम सीखो हरदम, सदा ऊंचाई पर चढ़ना। दुआ सदा ऊंचाई पर चढ़ता है, न पीछाई पर चढ़ता है। दुआ सदा अपने जीवन को ऊंचाई पर चढ़ता है, एक देखकर हम सीखो हमारे जीवन को ऊंचाई पर चढ़ता है। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज घटना, अपने गुरु से सीखो बच्चो उत्तम विद्या पढ़ना। कवि कहते हैं, कवि श्रीधर पाठक कहते हैं, सत्पुरुषों को देखो, महान पुरुषों को देखो, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, उन सत्पुरुषों को देखो। उसके उसको देख कर हम उसके चरित्र निर्माण देख कर हमारे चरित्र को अच्छी तरह से निर्माण करता है। अपने गुरु से सीखो, अपने गुरु से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीखो। कवि श्रीधर पाठक हमारे सामने कुछ उदाहरण देता है। कवि कहता है, हम अपने जीवन को फलाई करने के लिए, अपने जीवन को दूसरों के लिए सतपथ पर चलने के लिए कुछ उदाहरण हमारे सामने देता है। जैसे फूलों को देखो, वह निध हंसता है, हम उसी तरह हंसना सीखता है। तरु की सूखी डालियों से देखो, वह अपना डाली सब चुकाते हैं, उससे हम अपना शीश दूसरों के सामने झुकना सीखो। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरण क्या करती है? हमें जगना और जगाता है। सूरज की किरण को देखकर हम जगता है, जगाता है। लता और पेड़ों से सीखो, क्या सीखो? सबको गले लगाना। दीपक से सीखो, दीपक को देखो, एक अंधेरा को दीपक, एक दीपक सब अंधेरा को दूर करते हैं। कितने अंधेरा हो जाता है, एक दीपक को रखने समय उस अंधेरा क्या करती है? अंधेरा दूर करती है। हम उससे देखो, देखकर हम हमारे जीवन के अंधेरा को दूर करना चाहता है। पृथ्वी से सीखो, हमारी पृथ्वी क्या सहन करती है? हमारी पृथ्वी हमारे लिए सच्ची सेवा करती है, दूसरों के लिए सच्ची सेवा करती है, अपनाने के लिए कुछ न करती है। यह पृथ्वी को देखो, यह धरती को देखो, देखकर हम सच्ची सेवा करना सीखती है। जलधारा से सीखो,
एक जलधारा को देखो, जलधारा आगे बढ़ता है न पीछे बढ़ता है, उसे देखो। देखकर हम हमारे जीवन को आगे बढ़ना सीखता है। और दुयम से सीखो, दुयम से क्या सीखो, हरदम सदा ऊंचाई पर चढ़ना। हम सदा ऊंचाई पर चढ़ना कहाँ से सीखता है, कहाँ से सीखता है, दुयम को देखकर सीखता है। सत्पुरुषों के जीवन के उदाहरण देखकर कवि कहते हैं, हमारे चरित्र निर्माण करना, हमारे स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए कवि कुछ सत्पुरुषों का उदाहरण हमारे सामने रखता है। कवि कहते हैं, अपने गुरु से सीखो, अपने अध्यापकों को देखो, देखकर एक सीखो, क्या सीखो, अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम किसके सामने आते हैं, हम हमारे गुरु के सामने आता है। गुरु को देखो, देखकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करना सीखो। हम कवि श्रीधर पाठक हमारे जीवन के अच्छी तरह बनाने के लिए हमारे सामने कुछ उदाहरण देता है। कवि सीखो नामक कविता से हमारे सामने ये सब बातें बताते हैं। इस कविता में आए हुए कुछ प्रमुख अर्थ है। नीथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीथ, रोज हमेशा, हरदम। तरु, तरु मीन्स पेड़, बेडप, वृक्ष। अगेन हरना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरना, हरना मीन्स दूर करना। गेटना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटना, बनाना, टू मेक। उत्तम, उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, द बेस्ट। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए, फूलों से हम क्या सीखना चाहिए, फूलों से हम हंसना चाहिए, हंसना सीखना चाहिए, फूलों को देखो उससे हम हंसना चाहिए। चुकी डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2, चुकी डालियों से हम हमारा शीश झुकना सीखता है। सूरज की किरणों से हम क्या करते हैं, सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखते हैं। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी दूसरों की सच्ची सेवा करती है। सत्पुरुषों और गुरुओं से जीवन में हमें क्या सीखना चाहिए, सत्पुरुषों और गुरुओं के जीवन से हमें चरित्र निर्माण करना और उत्तम विद्या प्राप्त करना सीखता है। दुआम हरदम किस और बढ़ता है, दुआम, दुआम हरदम ऊंचाई पर चढ़ता है। Then the poem is very very important. Please by heart the poem. It's very important. Today's our class finish. Okay, thank you.